अभी कुछ दिनों पहले मेरे पापा मेरे से ये बोलते हैं कि बेटा शादी कर लो, यही सही उम्र है शादी करने की। तो मैंने अपने पापा से बोला, पापा अभी तो मेरे हंसने खेलने की उम्र है, शादी कर लेंगे 2-3 साल बाद, क्या जाता है। तो ये टॉपिक वहीं ख़त्म हो गया। फिर उसके 3 दिनों बाद मैंने अपने पापा से बोला, पापा मेरा मोबाइल ख़राब हो रहा है, नया मोबाइल ले लें क्या। मेरे पापा बोलते हैं, मोबाइल भी अब 3 साल बाद ही लेंगे। तो अब मोबाइल चाहिए तो शादी करनी पड़ेगी। आगे देखिए, मैं राफ्ट पर हूँ और राफ्ट हो चुकी है, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। देखिए अब हम खूंखार जंगल में आ चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, जंगल में खाने लायक कुछ भी नहीं है सिवाय इन कीड़ों के। नमकीन है यार, अभी माइक ने नई परेशानी चालू कर दी, क्या है ये। तो यार बातें बहुत हो गई हैं, अब लगी है भूख, पहले जाएंगे कुछ खाएंगे फिर ब्लॉग बनाएंगे। यार मैंने खाया तो है लेकिन बैंगन बना था इसलिए मैंने खाना नहीं खाया, मैं बाहर से खाना लाया था, मैंने बाहर से। और अब आप ये सोचेंगे कि गौरव जब देखो फास्ट फूड ही खाता रहता है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी बॉडी के अंदर 2 गौरव और हैं, जिसमें से एक है कॉन्फिडेंट गौरव जो हमेशा कॉन्फिडेंस देता रहता है कि एक्सरसाइज कर, जिम जा, और एक है लेजी गौरव जो हमेशा फास्ट फूड पर जोर देता है और बोलता है बिस्तर में पड़ा रहा, और हमेशा लेजी गौरव ही जीतता है। और गौरव भाई क्या है ये, क्या हालत बना रखी है आपने कमरे की, कुर्सी कहाँ डाल रखी है, ये थैला क्या कर रहा है। अभी जब मैं खाने के लिए बाहर सामान लेने गया था, मैंने सोचा कि कैमरा ले जाता हूँ, व्लॉग भी बनाऊंगा, लेकिन कैमरा ले जाने में मुझे इतना डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है अगर किसी ने मुझे कैमरे के साथ देख लिया तो कितनी बेइज्जती हो जानी है मेरी, ये डर निकालना है। यार जैसा कि आप लोग आजकल देख रहे हैं, ट्विटर में लड़ाई छिड़ी हुई है, एक दिन में 10-12 हैशटैग चल रहे हैं। मेरे बोलने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि घर के अंदर मारो चिल्लाओ कुछ भी करो, लेकिन बाहर वालों के सामने तमाशा मत बनाओ। घर के बंदे अगर सड़क में जाके लड़ते हैं तो बुरा लगता है ना, बाहर वाले भी देखते हैं, तो बाहर वालों के सामने बेइज्जती क्यों करानी। और फिर से बोलता हूँ, मेरे बोलने से फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन बोलने का तो मुझे भी है। और आखिर मैं होता कौन हूँ बोलने वाला, एक छोटा सा यूट्यूबर। आज तक मैंने अपनी कोई भी वीडियो इंस्टाग्राम में शेयर नहीं करी, ना व्हाट्सएप ना फेसबुक, जो कि बहुत गलत बात है, करनी चाहिए, लेकिन क्या करें, शर्म मुझे खाए जा रही है अंदर से कि अगर मैं उसमें शेयर करूँ तो लोग मुझे जज ना करें। इसका एक उपाय ढूंढा है मैंने, एक सॉल्यूशन, कि मैं अपने व्लॉग्स के छोटे छोटे पार्ट्स इंस्टाग्राम की स्टोरी में लगाऊं, ताकि लोग यूज टू हो जाएं कि ये पागलपंती करता रहता है, तो कुछ टाइम बाद लोग जज करना भी बंद कर देंगे। अरे भैया ये तो बारिश हो रही है, अभी 7 बज चुके हैं और अभी मैं खाना खाऊंगा और थोड़ा ऑफिस का काम करूंगा, और इसमें ऐसा दिखाने का कुछ भी नहीं है। तो ब्लॉगिंग खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट।